दोस्तों इस वक्त हम हैं सेरेमिक सिटी में। जी हाँ, सेरेमिक सिटी खुर्जा को कहा जाता है। खुर्जा है बुलंदशहर से 21 किलोमीटर दूर और यहाँ है इंडिया की सबसे बड़ी क्रॉकरी मार्केट और पॉटरी मार्केट। हाँ, और इस वक्त है हम खुर्जा की द सेरेमिक स्टूडियो में, जहाँ पर क्रॉकरी की ढेरों वैरायटी, नहीं कहेंगे हम हजारों वैरायटी आज आपको दिखाने वाले हैं। जल्दी से सौरभ एक झलक दिखा दे हमारे दोस्तों को खटाखट से कि कितनी ज़बरदस्त वैरायटी है यहाँ पर। यहाँ पर प्लेट्स हैं, डिनर सेट हैं, कप्स हैं, मग्स हैं। और बात तो आप करो अंकित कप प्लेट से, क्योंकि चाय की चुस्की से ही मेहमान आते हैं तो घर में वेलकम किया जाता है। और चाय की चुस्की यहाँ पर जितनी सस्ती से सस्ती और महंगी से महंगी आप सोच सकते हैं ना, वो आप मतलब अंदाज़ा भी नहीं लगा पाएंगे। अच्छा, चाय की चुस्की की बात हो रही है। और सौरभ ये दिखा बेटा, इधर ये देखो, फैंसी क्रॉकरी मिलेगी आपको इस ये देखिए। और मैं सोच रहा हूँ कि अपना चाय तो मैं अच्छी बनाती हूँ, चाय अच्छी बनाता है यार। तो भैया चाय बना के इसमें चाय ग्राम शुरू कर दूँ। चलिए जोक सपाट, ये बहुत ही अच्छा आइटम है। आई गेस मैं अपने घर के लिए ये लेने वाली हूँ फॉर श्योर। तो इना खरीदेगी इसको और लाइव इसने सारी प्राइस रेंज। और अभी भैया से 2 मिनट पहले मेरी बात हो रही थी तो ये 400 की रेंज का है। 400 पूरा स्टैंड विद 6 गिलास और जो नीचे वाले 4 गिलास के साथ स्टैंड है ये 300 समथिंग रेंज का है। अलग है, फैंसी भी, यूनिक भी है और बड़ा बजट फ्रेंडली है। और स्पेशली दिवाली आने वाली है तो इससे बेस्ट क्या हो सकता है कि अगर आप मेहमानों को भी गिफ्ट करना चाहें या मेहमानों का वेलकम अपने घर की फैंसी क्रॉकरी के साथ करना चाहें। बिल्कुल, यहाँ पर अक्षय है। अक्षय जी कहाँ गए? अक्षय भाई को बुलाएंगे हम। अक्षय भाई कैसे हैं आप? एकदम चमक रहे हैं आप तो हैं। अच्छा अक्षय भाई कब से हैं यहाँ पे, कितने टाइम से? 1 ईयर हो गया। एक साल हो गया। एक साल जी। ये बताइए अक्षय भाई कि सबसे सस्ता अगर मैं बात करूँ मग की, आपके पास कौन सा है सबसे सस्ता मग? कौन सा है आपके पास सबसे सस्ता मग? ये कितने रुपए का है पीस? 40 रुपए का पीस है। अच्छा, तो अगर होलसेल में आपसे लेंगे तो 40 रुपीज जाएगा अभी। और रिटेल में भी? जी। चलिए ठीक है। सबसे अच्छी जो है वो डिनर सेट कौन सा है? डिनर सेट के बारे में जानना चाह रही थी ना। डिनर सेट के बारे में, प्लेटर सेट के बारे में और फैंसी ट्रेज के बारे में और कुछ भी यूनिक, कुछ अलग से वैरायटी क्या आपके पास जो हटके हो? जो मैं दिल्ली से हूँ, क्योंकि दिल्ली में ना मिलती हो यहाँ से, आप वैसे तो विदेशों में जाता होगा आपका सामान। ये कॉम्बिनेशन है डिनर सेट का। डिनर सेट दिखाओ सर। 37 पीस का डिनर सेट है। 37 पीस का जी। इसका प्राइस रेंज क्या है? 400 400 में दे दो अब तो यार, अब तो बोल दिया अब तो 400 रुपये बोल दिया अक्षय, 400 रुपये में लेके जाऊंगा भाई मैं। अच्छा लग रहा है मुझे घर के लिए। ये क्या क्या प्राइस रेंज है इसका? 3 सेट का ये कॉम्बिनेशन इसका। अच्छा। ये 350 में आएगा और विथ 4 सेट का है 480 का ये आएगा। बहुत बढ़िया जी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 4 सेट में आपको ये वाले कौन कौन से 4 पीसेज मिलेंगे। ये वाले 4 पीसेज मिलेंगे, ये ब्रश के लिए है, ये सोप के लिए है और ये हैंड वॉश के लिए है और ये आपके कुछ भी आप इसके अंदर रख सकते हैं। तो ये 4 का सेट है जो आपको 480 रुपीस का पड़ेगा। ये भी मुझे बड़ा अच्छा लगा, ये क्या डिज़ाइन है यार। हाँ हाँ, मैं चाहूँगा कि मैं इस कप में चाय पीऊँ, कॉफ़ी पीऊँ। तो जाएगी कब की? कितनी वैरायटीज होंगी आपके पास? 1000 से ऊपर। अरे बाप रे, 1000 से ऊपर। इन्हें वहाँ देख कितने सुंदर कप्स वगैरह यार, एक बार दिखा जरा। देखो हमने वैरायटीज देखी है लेकिन इतनी भरमार। आपका सामान जो है अक्षय भाई कहाँ कहाँ जाता है? विदेश भी जाता है, इंडिया मतलब चेन्नई हो गया, बांग्लादेश हो गया। विदेश आप लेकर गए हो कभी? हम लेके क्यों जाएंगे सर, भेजे। अच्छा ठीक है। इसका क्या प्राइस रेंज है? 70 रुपीज़ ओनली। मतलब ये अगर मैं शॉपर स्टॉप वगैरह से लूँ आई गेस मैं इसके 700-800 रुपीज़ पे करूँगी। ओह माय गॉड। हाँ एक्चुअल में ये वो वाले ब्रांडेड कप्स वाला स्टैंडर्ड है इसका। सीरियसली आप खरीद के इसको अपने हिसाब से ब्रांडिंग भी करा सकते हैं अगर आपको लेने हैं, अगर आप होलसेल में ले रिटेल में ले, है कि नहीं? बिल्कुल। तो भैया यहाँ पर सबसे सस्ता वाला मग कितने का और सबसे महंगा वाला मग कहाँ आप कितने रुपए तक का आप बता सकते हैं कुछ? सबसे सस्ता 35 रुपए का। ये 35 रुपीज का है और सबसे ज्यादा
ज़्यादा महंगा और फैंसी आपके यहाँ पर। यार ये प्लेट देख यार, इसमें हम प्लेटर्स के लिए प्लेटर्स में। अच्छा मैं सोच रहा था कि इसमें जैसे कप में इसमें चाय डाल के ऐसे पी सकते हैं इसको। नहीं हाँ हाँ ऐसे पियो ना, इसके अंदर चाय डालो और ऐसे पियो। एग्जैक्टली इसीलिए है, अंकित ने बिल्कुल सही गेस किया। चलिए दोस्तों 120 रुपये ये महंगा है सबसे। ये इस शॉप का सबसे महंगा कप है, 120 रुपीस का सिंगल पीस। और भैया ये 6 मग का सेट कितने का पड़ेगा? हम ईच बेचते हैं, तो इसका क्या प्राइस रेंज है? 45 रुपीज ईच। और कप प्लेट्स भी देख लेते हैं एक बार। बिल्कुल कप प्लेट्स भी देख लेते हैं। ये सोप के लिए है यहाँ पे, ये चटनी, ये चटनी प्लेटर्स के लिए। चलिए एक बार वहाँ नज़र मार लेते हैं, यहाँ नहीं आए। ये देखिए ज़बरदस्त वैरायटी है, इतनी वैरायटी ही ना तूने अपनी ज़िंदगी में मतलब। हाँ यार, मतलब इस तरह की क्रॉकरी, फैंसी क्रॉकरी हमेशा शोरूम्स वगैरह में, हम लाइफस्टाइल वगैरह में जाते हैं या होमसाज वगैरह में जाते हैं तो देखने को मिलती है। बट खुद देखिए चटनी, धनिया पुदीना या कोई भी कोई भी सबसे मुझे लगा धनिया पुदीने की भी रख सकते हैं, केचप भी रख सकते हैं, और वो मेयोनी व्योनी भी रख सकते हैं भैया। वेरी गुड, वेरी वेरी नाइस अक्षय भाई, वेरी नाइस। और ये सूप बॉल्स हैं, है ना, सूप बॉल्स हैं ये। इनका क्या प्राइस रेंज है? 140 ईच। ये ऐसा क्यों मतलब इसका इतना प्राइस रेंज ज़्यादा क्यों है? क्वालिटी का ऐसा। हाँ मतलब ऐसा हमें क्या देखना चाहिए कि इतना महंगा अगर हम ले रहे हैं तो? तीन बार पका चुके हैं। ओ अच्छा, अच्छा। तीन बार पका चुके हैं, ये बात भी होती है। अच्छा ये भी हिसाब किताब होता है। शाइन वगैरह का उससे फ़र्क आता है या मजबूती का फ़र्क आता है, क्या होता है? दोनों चीज़ों का फ़र्क आता है। यहाँ पे अनस भाई हैं, अनस भाई हैं यहाँ पे ओनर हैं ये। अनस भाई ये बताओ कि हम लोग क्योंकि दिल्ली से हैं, सिरेमिक सिटी कहा जाता है खुर्जा को, तो ऐसा क्या खास है यहाँ पर, ऐसा क्या बनता है यहाँ पर कि भैया जो कहीं नहीं बनता ऑल ओवर इंडिया में? मतलब सेरेमिक तो खुर्जा में ही बनता है, और जगह जो बनता है वो आपका मशीनरी होती है ज़्यादा। अच्छा मशीन। हाँ यहाँ पे सब हैंडमेड होता है ज़्यादातर, हैंडमेड है। हाँ अच्छा, तो क्या कितनी तरह की वैरायटी है? बहुत वैरायटी होती है, मतलब हज़ारों के हिसाब से होगी वैरायटी। हज़ारों? तो आपका विदेशों में भी जाता है? हाँ। कहाँ कहाँ जाता है? यूरोपियन मार्केट, यूके, मतलब यूएस, सब जगह जाता है, ऑस्ट्रेलिया वगैरह। एग्जैक्ट एड्रेस क्या है आपका? हमारा ये एड्रेस तो ये खुर्जा में ही है। खुर्जा में कौन सी? ये मुंडा खेड़ा क्रॉसिंग। मुंडा खेड़ा क्रॉसिंग। थैंक यू अनस। तो अनस आप कितने, आप यू आर द सेकंड जनरेशन जो यहाँ काम करे? थर्ड फोर्थ जनरेशन। कितने पुराना है ये? 50-60 साल का काम। 50 साल हो गए इस काम को। सेरेमिक स्टूडियो नाम है। चलिए सेरेमिक स्टूडियो पे वैरायटी बहुत सारी है, ढेरों वैरायटी है। अनस से हमने बात कराई, अनस ओनर हैं, फोर्थ जनरेशन है। और कुछ खास देख रही है इना, यहाँ पर कुछ खास दिखा दे रहे को? यहाँ पर प्लेट्स के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो मैं भैया से ये पूछ रही थी कि कौन सबसे सस्ता वाला है यहाँ पर और कौन सबसे महंगा वाला है और क्या वैरायटी होती है इसके अंदर। अक्षय भाई बता दो जरा क्या क्या है वैरायटी। 280 मतलब हाई रेंज 280 है। अच्छा 280 की 6 प्लेट। एक प्लेट जी जी। अब वो कौन सी है? एवरीबॉडी इसमें से कुछ कोई भी। 280 रुपए की एक प्लेट है, कोई भी सिंगल प्लेट 280 रुपए की है। मैं तो सोच रही थी खुर्जा सबसे सस्ती मार्केट है, मुझे तो बड़ी महंगी लग रही है। थ्री फायरिंग है मैम। थ्री फायर जी। इसमें क्या होता है एक आम लोगों को अगर समझाना हो, जैसे मैं आम इंसान हूँ, मुझे तो ये दिखने में नॉर्मल प्लेट लग रही है, मुझे लगेगा यार 280 में तो बड़ी महंगी है, तो आप कैसे समझाएंगे लोगों को कि वैरायटी क्या होनी चाहिए? इसमें क्या मैम, फर्स्ट में जब एक गिलेज होता है तो फर्स्ट सिंगल में मतलब सादा मतलब पकाया जाता है, सेकेंड में गिलेज करके पकाया जाता है, और थर्ड फायरिंग में मतलब कलर शेडिंग किया जाता है। कलर पता कैसे लगेगा अक्षय कि ये थ्री फायरिंग है, टू फायरिंग है, सिंगल फायरिंग है? हमें तो नहीं पता चलेगा, एक आम आदमी को है ना। हाँ एग्जैक्टली। अच्छा ये तरीका बता रहा है मेरा भाई अक्षय। और आपकी जेब से एक्स्ट्रा पैसा जा रहा है तो आपको रीज़न ज़रूर सही पता होना चाहिए। ये मैट का है, ये ग्लॉसी है, ये स्टोन बियर में आता है। महंगा कौन सा है? ये उसी वाला। तो इस पे वाला? ये 140 का, 140 का। सबसे सस्ता क्या है? सबसे सस्ता एक प्लेट जी। वन दर्जन के हिसाब से देते हैं यहाँ पे, क्या होता है हिसाब? इच के हिसाब से, पीस के हिसाब से देते हैं। यूजुअली लोग 6-6 के सेट बनवाते हैं। इसमें नान रखें, रोटी रखें, पराठा रखें, क्या रखें?
कुछ भी रख सकते हैं। अच्छा अक्षय भी बोलेगा कैसे सवाल पूछ रहा है भाई, मेरे मजा आना चाहिए। बड़ा अच्छा ऑप्शंस है प्लेटर्स के लिए, बहुत सारे ट्रेज के ऑप्शन है, मतलब आपकी नज़र रुकेगी ही नहीं, एक ट्रे से शुरू होगी तो आपके पास तमाम ऑप्शंस हैं प्लेटर्स के। तो ये कितना सस्ता और कितना महंगा वाला रेंज है यहाँ पर? प्लेटर 350 से स्टार्टिंग है, 720 तक हार्डली। अच्छा तो 720 वाला पीस कौन सा है आपका? 720 रुपये का सिंगल पीस है जी ये। अच्छा थ्री फायरिंग ये, टू फायरिंग है, टू फायरिंग है। और जो आपने वो बताया था 140 वाला, वो वन फायरिंग था? हाँ वही टू है, वही वन होगा। अच्छा ठीक है, ये डिफरेंट फर्क है, ये स्टोन भी है, फर्क भी है, ये हैवी है ये हल्का है जी। क्वालिटी एक्चुअली हाथ में लेकर समझ में आती है, देखने से समझ में नहीं आती, तो जब आप यूज़ करते हैं आपको एक्चुअल में समझ में आता है कि आप क्या क्वालिटी यूज़ कर रहे हैं। दोस्तों अगर आपको बढ़िया क्वालिटी का क्रॉकरी खरीदना है या पॉटरी खरीदना है तो कहाँ पे आना चाहिए आपको, बता दो इन्हें एक बार। द सेरेमिक स्टूडियो आना चाहिए यार, इससे बेस्ट ऑप्शन क्या होगा। अगर आप एक्चुअल में बेस्ट क्रॉकरी के दीवाने हैं और आप खुर्जा में हैं या खुर्जा के आसपास हैं यूपी में कहीं पर, तो आप द सेरेमिक स्टूडियो आ सकते हैं, यहाँ पर मिलेगी बेस्ट क्रॉकरी। वैसे तो ये पूरा बाज़ार ही सेरेमिक बाज़ार के नाम से मशहूर है, सही कहा, सेरेमिक सिटी है। तो यहाँ पर आपको इस स्टूडियो के अलावा और भी स्टूडियो मिलेंगे, लेकिन हमें यहाँ का कलेक्शन बेस्ट लगा। सेरेमिक स्टूडियो में आपको अक्षय भी मिलेंगे, और अक्षय खिचड़ी द फूड चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलने वाले हैं और फॉलो भी करने के लिए बोलने वाले हैं। अक्षय जल्दी से बोल दो, खिचड़ी द फूड चैनल को सब्सक्राइब करें, खिचड़ी द फूड रैपर को चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर। भाई समझदार है मेरे भाई, थैंक यू। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्दी से शेयर कर दीजिए फेसबुक पे, फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, बने रहिए खिचड़ी द फूड चैनल के साथ। बाय बाय।